जननायक जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए गोहाना विधानसभा से चुनाव में कुलदीप मलिक को अपनी पार्टी से विधानसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा है। कुलदीप मलिक ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी आशाओं पर मैं खरा उतरूंगा। आपको बता दें कि गोहाना विधानसभा में मलिक का वोट बैंक ज्यादा होने के कारण जेजेपी ने कुलदीप मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले तो मैं जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेता तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, युवा भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, डॉक्टर कृष्ण चंद्र बांगड़ जी, जिले के प्रधान चौधरी पदम सिंह दहिया जी और सभी जननायक जनता पार्टी की सोनीपत जिले की इकाई का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि गोहाना हल्के से ये सीट जनता के आशीर्वाद से सभी का सहयोग लेकर के जननायक जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करें। किन मुद्दों पर गोहाना का मेन चुनाव रहेगा? आज हरियाणा प्रदेश में मुद्दे अनेकों हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था तो नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही। मुद्दे ही मुद्दे हैं, किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान। आज कोई भी किसी भी वर्ग को उठा कर देख लो, हर एक आदमी परेशान। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल से जनता को बकाया बकाया। कुलदीप मलिक साल 2010 में ब्लॉक समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहते हुए अनेक पदों पर पार्टी को अपनी सेवा दी है और अब मलिक पार्टी के लिए एक सक्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। इसलिए पार्टी ने भरोसा जताते हुए गोहाना विधानसभा से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत से न्यूज के लिए राहुल सैनी की रिपोर्ट।